Hello and welcome to the FinTech Meetup. This is Ishan Shah and the FinTech Yatra has reached Akodra. Akodra is a Gram Panchayat 80 kilometers away from Ahmedabad. Akodra has a history to it. In 2015, ICICI Bank had adopted Akodra as a digital village. Akodra is known as India's first digital village. Akodra has a total population of 1300 people, wherein dairy farming and agriculture is the biggest source of income in the village. We are here to bring you the story of Akodra and after 7 years, what is the level of digital adoption? मेरा नाम चिंतन दुर्गेश भाई पटेल है। मैं आकोदरा ग्राम पंचायत में अभी डेप्यूटी सरपंच में हूँ। इससे पहले मैं सरपंच में था 5 साल, और ये 5 साल के लिए मैं डेप्यूटी सरपंच हूँ। और ये गांव में मैं तकरीबन 35 साल से रह रहा हूँ। जन्म से ही मेरी उम्र 35 साल है और मैं 35 साल से यहीं पर रह रहा हूँ। जब 2015 में गाँव में ICICI बैंक आया, और बैंक आया उसके बाद उसको 75 साल पूरे हो रहे थे ICICI बैंक को, तो उनको कुछ करना था, तो वो पंचायत में आए बैंक की टीम, और फिर यहाँ पे बातचीत हुई कि हमको कुछ करना है। तो हमने साथ में मिलकर कुछ ऐसा प्लान किया कि हम डिजिटल कुछ करते हैं, जैसे सारी सेवाएं हो वो कैशलेस करने के लिए हमने ट्राई। फिर 2015 में कामकाज चालू हुआ, और फिर मोदी साहब हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसका इनॉग्रेशन, इंडिया का पहला डिजिटल विलेज हुआ था 2015 में, इसका इनॉग्रेशन हुआ था। तो इससे थोड़ा पहले जानना चाहता हूँ कि 2015 के पहले क्या लोग सक्षम थे डिजिटल अडॉप्ट करने के लिए? नहीं, सक्षम तो यहाँ पे पहले से ही थे लोग, लेकिन हमने फिर भी 2-3 कैंप रखे थे ये डिजिटली समझाने के लिए गांव में कि अपन ऐसा ऐसा करेंगे। तो उसके लिए हमने थोड़ा ट्राई किया, और वो पहले से भी कैपेबल थे। यहाँ का साक्षरता दर 100% है, इसलिए हमको ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई डिजिटल में काम करने के लिए। और ऐसी कौन सी सुविधाएं जो मतलब पहले नगद में होती थी? ऐसे हमारा गांव का बिजनेस है, मूलभूत से खेती है और पशुपालन है। तो हमारा क्या है, पशुपालन में दूध मंडी है। यहाँ पे लोग सुबह 6 से 7:30 और शाम को 6 से 7:30 दूध लेके आते हैं अपना अपना। तो इसमें क्या बड़ा बदलाव आया है कि 2015 से पहले यहाँ पे कार्ड सिस्टम चल रहा था, कि आप गर्भ से आपको कार्ड बना के दूध मंडी देती थी आपको, वो आप आके दूध लेके आए तो आपका सपोज 10 लीटर हुआ तो आपको पेन से वो लिख के देगा 10 लीटर दूध, फैट है 3-5 और आपका पेमेंट है 300 रुपया, और 10 तरह का कुल वो होता था। और आपको यहाँ पे पेमेंट सिस्टम है, पहले से 3 हर 10 दिन के इंटरवल में आपको पेमेंट मिलता है, तो 3 तारीख 23 तारीख और 13 तारीख को पेमेंट मिलता है। 2015 से पहले एक कार्ड सिस्टम था, तो आपको टोटल करके लेके आके आपको यहाँ से कैश मिल जाता था आपका जो भी था। तो 2015 से ये बदलाव आया कि सब कुछ डिजिटली हो गया है यहाँ पे, वो वेट भी डिजिटली होता है दूध का। तो मेरे को, मैं दूध लेके आया सपोज 10 लीटर हुआ मेरा दूध, तो मेरे को जैसा वो कलेक्शन करेगी मंडी, वैसे ही मेरे मोबाइल में मेरे को मैसेज आएगा कि आपका 10 लीटर दूध हुआ, SNF इतना है, फैट इतना है और आपका पेमेंट इतना है। तो हर 10 दिन का पेमेंट है वो मेरे को मैसेज आ जाएगा बैंक में, जैसे जमा होता है फिर सब मैसेज आ जाते हैं बैंक में भी। वो बैंक का भी मैसेज आया कि आपका पेमेंट पड़ चुका है। और जो दूसरी सुविधा है, जैसे मान लो लाइट बिल पेमेंट हो गया, टैक्स पेमेंट तो पता नहीं उतना होता है कि नहीं, जो दूसरी सुविधा है जैसे पानी का बिल, ये बिल, टैक्स, वो सब कैसे होता है? मतलब लोग मोबाइल से कर सकते हैं? वो भी नकद में होता है? नहीं नहीं, अभी 95% तो कैशलेस ही यहाँ पे होता है। नकद में भी हमारे पंचायत में सेवा में चालू की है कि किसी के पास अगर अकाउंट में पैसे नहीं है तो यहाँ पे, तो यहाँ से ऑनलाइन पेमेंट कर दे। तो बिजली, गैस और पानी के बिल भरने के लिए यहाँ गांव के बाहर किसी को जाना नहीं पड़ता, 95% तो UPI से ही हो जाते हैं। युवा कितने हैं
टोटल आबादी ये 1300 के करीब है, उसमें से 1300 में से लगभग 300 के आसपास वो 75 के ऊपर होंगे। उनको हमको थोड़ा तकलीफ हुआ था समझाने के लिए, लेकिन उन्होंने भी सीख लिया क्योंकि वो एजुकेटेड थे, इसीलिए उन्होंने भी एडप्ट कर लिया। 75 के नीचे हमको ज़्यादा तकलीफ नहीं हुआ। 50 साल के नीचे की आबादी है, 500 के करीब हैं, उसको तो सिखाना भी नहीं पड़ा हमको, वो एंड्रॉइड में ही पैदा हुए थे इसलिए उनको कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ पे इतने हमने 2-3 कैंप और भी रखे के ऑनलाइन फ्रॉड के लिए, जो OTP देते थे सब लोग, वो उनके लिए हमने गांव सरबार रखे और सबको सिखाया कि आपको ये OTP किसी को भी शेयर नहीं करना है। वो जो जितनी सेवाएं बढ़ेगी तो उसके सामने दिक्कत भी आएगी। अभी आज तक ऐसा एक भी केस नहीं हुआ है ऑनलाइन फ्रॉड का कोदरा में, क्योंकि उन वो होने से पहले ही हमें सबको ग्राम सभा करके सजा कर दिया कि भाई आपको किस तरह से ये पेमेंट करना है और ये बात किसी को शेयर करनी नहीं है आपको, OTP वगैरह। और ATM को भी लगभग 6-7 साल हो गए। हाँ, ATM को भी ATM जाना ऐसा कम नहीं है, ये पूरा डिजिटली जब बनेगा तो यहाँ से आप बाहर जाओगे तभी वहाँ पे एक्सेप्टेबल होगा। वो UPI का अभी क्या है कि आप सपोज कैश भी रखना पड़ता है, वो मजबूरी है क्योंकि आप UPI हो तो बैंक का सर्वर डाउन है। मैंने आपसे कुछ 500 की परचेज की है, मैं आपको UPI का नहीं हो रहा तो हम वो व्यापारी मेरे को पहचानता नहीं होगा तो वो अभी तो वो लेने के लिए कैश भी रखना ज़रूरी है अभी। मारू नाम पटेल जयंती भाई रायचंद भाई, हूँ अकोदरा गांव में करीब 5 साल से मेरा ये स्टोर है, ठीक है। और जब मैंने स्टोर चालू किया उसके बाद में करीब 1-2 साल के बाद ICICI बैंक ने जो डिजिटल सिस्टम बनाई ना, तब से मैं डिजिटल पेमेंट से काम चलता है मेरा। इसमें मेरे ख्याल से करीब 20-25% डिजिटल पेमेंट आता है, कि यह हमारा गाँव की परिस्थिति ऐसी है ना, हमारे यहाँ मजदूर लोग बहुत है और मजदूर लोग के पास वो सिस्टम नहीं होती तो उसकी नगद लेता हूँ। और दूसरा एक वजह है कि उधारी में काम करना पड़ता है, तो जो उधारी में आता है उसका कोई करीब 10-15 दिन बाद हमारे को पेमेंट देता है तो वो ट्रांसफ़र डिजिटल से ट्रांसफ़र करता है, कोई नगद देता है, ठीक है। 100% नहीं हो सकता क्योंकि मजदूर लोग है, खेती वाला काम है। बहुत बड़ी बात है कि डिजिटल से हमारे को भी तकलीफ़ नहीं होती, क्या मान लीजिए कि छुट्टे के लिए कोई तकलीफ़ नहीं पड़ती, कोई नोट टूटी फूटी आती है तो दिक्कत होती है, वो सब प्रश्न सॉल्व हो जाता है इससे, ठीक है। आपका अनुभव क्या रहा है? मतलब अनुभव मैं तो ऐसा बोलता हूँ कि सारे लोग जो डिजिटल पेमेंट कर दें तो बहुत बड़ी बात है, इससे कोई डिस्टर्ब नहीं, पैसा गिरना ऐसा तो वो सब। और मेरे को भी जो खरीद सामने से माल खरीद जाना पड़ता है तो वह भी पेमेंट जेब में रख के जाना पड़ता है, वो सब प्रश्न हल ज़्यादा। दूसरी एक बात है कि मेरे पास वो अमूल पार्लर है तो हमारे को जो साबर डेली पेमेंट भेजना पड़ता है वो डिजिटल पेमेंट से सीधा ही मेरा अकाउंट में जमा होता है, मेरे अकाउंट से सीधा साबर डेली पेमेंट चल जाता है। एक हमारे को फ़ायदा ये है कि हमारे को पेमेंट साबर डेली लगाने के लिए जाना नहीं पड़ता। नहीं 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 ऐसा कोई नहीं है, जब पार्टी ने डाला ना तो सीधा ही हमारे को मैसेज मिल जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डिजिटल अडॉप्शन हैज इट्स ओन बेनिफिट्स। अकोदरा हैज सीन इट इन द लास्ट फ्यू इयर्स एंड सो कैन अदर विलेजेस इन इंडिया रेप्लिकेट इट। The success of this kind of model lies in integrating digital payments and digital adoption with the livelihood of the local ecosystem. Digital payments are safe, secure, seamless, and omnipresent.